कामा क्षेत्र में लगातार हो रही ऑनलाइन ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह एवं कामा डीएसपी प्रदीप यादव ने लगातार थाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इन पर कार्रवाई करें और विशेष इसके लिए रणनीति बनाएं। जहां कामा थाना अधिकारी दौलत साहू के निर्देशन में टीम द्वारा विशेष कार्रवाई करते हुए कामा क्षेत्र में दो ऑनलाइन ठग बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है जानते हैं कामा थाना अधिकारी दौलत साहू से। सर, आपके द्वारा ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया है? श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे एडिशनल एसपी साहब, हमारे डिप्टी साहब प्रदीप जी यादव साहब के निर्देशन में स्पेशल टीम और पुलिस थाना कामा के द्वारा सस्ते लुभावने विज्ञापन देकर ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में दो मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 मोबाइल और 15 सिम, जिसमें कुछ सिम आउट ऑफ स्टेट की है, बरामद किए हैं। जिनके पास से 90,000 रुपये भी बरामद किए हैं। इस पर मुकदमा कायम करके अनुसंधान जारी। इस कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया, मुखबिर ने सूचना दी या किस तरीके से जाल बिछाया? हाँ, मुखबिर कास से सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस प्रकार जो विज्ञापन देते हैं ठगी करने के लिए, जिनकी आमद रफत कामा कश्मीर की तरफ है, और इसी सूचना पर स्पेशल टीम ने कामा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंजाम। कामा पुलिस ने गत दिनों भी ऐसे ही ऑनलाइन दो ठगों को पकड़ा था। हाँ, इन दिनों हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो कामा और मेवा क्षेत्र में जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगाए जाने के लिए विशेष टीम गठित की गई है, और समय समय पर विशेष टीम द्वारा और कामा पुलिस के संयुक्त अभियान द्वारा हम इस प्रकार की कार्रवाई की। इन ठग बदमाशों से दो से नगद राशि भी बरामद की गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 90,500 रुपये नगद राशि प्राप्त हुई है, जो मुकदमे में जब्त। इनसे पूछताछ में और भी खुलासा होने की संभावना? पूछताछ में खुलासा होगा, अभी इनके सीधी सीधी 14 सिमों में से 5 सिम तो उड़ीसा की निकली है, आउट ऑफ स्टेट की, बाकी कितनी सिम इन 9 मोबाइल में रन कर रही है तो इनके आई मी नंबर ट्रेस करके और पता चल जाएगा। ये ऑनलाइन ठगी के मास्टरमाइंड हैं या इनके पीछे भी कोई में चलाने वाले हैं? मास्टरमाइंड हाँ, उनके ही साझेदार हैं जो इस प्रकार का नेटवर्क चला रहा है। ये थे कामा थाना अधिकारी दौलत साहू, जिन्होंने कहा कि ऑनलाइन ठगी का जो कारोबार व्यापक स्तर पर चल रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए भरतपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्पेशल टीम द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में दो ऑनलाइन ठग बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जहां उनके कब्जे से मोबाइल सिम सहित नगद राशि को पुलिस ने जब्त किया है। वहीं ठग बदमाशों से पूछताछ में और भी कोई बड़े खुलासे होने की पुलिस द्वारा संभावना जताई गई है।